भी एक प्रोग्राम करके जो ना नियोग नियोगी का जो ना डेफिनेशन बताया है, तो जो ना वो साइंस जर्नी के साथ, तो मेरे को ताज्जुब हुआ। मैंने किया है, जैसे कि हलाला है वैसे नियोगी भी है, नियोग भी है। तो हलाला नहीं है, हलाला के हलाला के माने गलत दे लिए गए, हलाला ही नहीं, हलाला बिल्कुल गलत, हलाला हराम है, हलाला है ही नहीं, के डिफरेंट है हलाला वर्ड ही नहीं है कुरान में, हलाला वर्ड ही नहीं है अपने को वो करते हैं। गुलजार आप हो यहाँ पे, हलाला कुरान में वर्ड बताइए अस्सलाम आपने। वालेकुम यार, यूनिवर्सल ब्यूटी साहब आप बड़े अच्छे आती हैं, और यकीन माने मेरा भी दिल चाहता है कि मैं इस्लाम की दोबारा तरफ से शायद मुसलमान दोबारा हो चला जाओ। जाऊं। वाकई मैं सीरियस हूँ, नहीं नहीं मैं सीरियस हूँ। देखें, लोगों को गलत तरह से गाइड किया जा रहा है, वरना इस्लाम मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन मजहब है, औरतों के लिए भी मर्दों के लिए भी। नहीं, अच्छा ये आप बताइए, जो हाँ आप जी क्या कह रहे हैं? तंज के तौर पे मत अल्लाह बोलिए, पाक आप की जो भी कसम है, बोलना है तंज नहीं कर बोलिए। रहा, कसम है कुरान मजीद की मैं तंज नहीं कर रहा, कसम है उस नबी की जिसे कब्जे में, अब जिस कसम पर है रब यकीन ही नहीं की है आप कसम, कसम। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह में झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पाक है वो जात जो नबी को एक ही रात में शब्बे मेराज में आसमान की सैर लेके चला गया, पाक है वो जात आप जिसने एक कुरान पे बात मच्छर। करो भाई, कुरान इज लॉ, कुरान पे बात अच्छा करो, आप अच्छा मैं हिस्ट्री में वही क्यों से कर जाते रहा हैं हूँ। आप? मगर उसमें तो इतनी कुरान इतनी गलतियां हैं कुरान में, वो कैसा लॉ बना दिया भाई, उसमें इतनी गलतियां हैं। कुरान क्या एक गलतियां बताइए, बेहतरीन किताब है, कोई गलती नहीं है, कोई क्या गलती नहीं है गलती है कुरान बताइए में, बताइए कोई गलती बताइए। है नहीं ही नहीं यूनिवर्सल भाई। बताइए, मैं कह रहा हूँ नहीं है, कुरान में कोई नहीं गलती नहीं है। नहीं कुछ नहीं है, अर्थ हमारा देखो फ्लैट है, आप वीर फ्लैट अर्थर्स, गलती से अर्थर्स। पाक है पूरा कुरान। पूरा दिन गलतियां बताते हो आप, जो है ये गलती भी नहीं है। आप नहीं, नहीं गलती, मैं बोल रहा हूँ ना मुसलमान हो क्या हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप क्या करें बताएं? तो आप बर्खास्त करना चाह रहे हैं बात ही। हाँ नहीं, आप मुझे बताइए यूनिवर्सल ब्यूटी, आप मुझे बताइए दुनिया गोल है या फ्लैट है। दुनिया गोल है, अल्लाह ने कहा कि मेरी जमीन जो ना मेरी मुट्ठी में होगी, तो मुट्ठी मुट्ठी जो ना में गोल चीज आती है या जो ना रेक्टेंगुलर शेप की आती है? अच्छा, और ये जो मीटियोर्स होते जमीन, हैं, ये मीटियोर्स जो होते हैं धूमधार सितारे हाँ जो यूं निकलते हैं, वो क्या होते हैं इस्लाम के वो जो मुताबिक। ना अल्लाह ताला सूरह रहमान ने फरमाया कि वो यूरसलु अलैकुम अश्वाज मिन नार, वो आग का जो ना शोला है, वो अगर आप आपके ऊपर छोड़ दिया जाए तो उसका तुम मुकाबला नहीं कर सकते। तो वो शाहबे साकब यानी कि एक दुमदार सितारा जो जो ना वेलासिटी हाई वेलासिटी से जब आएगा तो शोले में बिल्कुल, तब्दील हो जाएगा। और वो जिनों को मारने के लिए अल्लाह पाक हमारे करते हैं, जिनों जो तो जिन जिन सुन रहे भी एक होते हैं ना। मखलूक है भाई, हाँ हाँ जिन भी एक बिल्कुल, मखलूक है, मैं आपके साथ हूँ भाई, वो आप इसलिए पैरानॉर्मल बिटकॉइन। पैरानॉर्मल हाँ एक्टिविटीज, आप पैरानॉर्मल हाँ एक्टिविटीज, आप जंगल में क्यों नहीं जाते अकेले? फिर सही बात है, बिल्कुल। हम तो जाते हैं अकेले, क्यों नहीं अब जाते। अफ्रीका अमेजान में, अब आप अमेजान से मेरे को जो ना वहां से जो ना बताइए, आप जंगल में अगर रात बस बिताइए, आप आपको तो वहां जिन्नात का शेर खा तजुर्बा हो जाएगा जाता। भाई, वहां शेर से ज्यादा डर लगेगा मुझको। मैं तो जंगल में रहती हूँ, मैं अपने बैकयार्ड में जाती हूँ ना, या कई कोई नहीं लोग होता रात को, रिसर्च, सिर्फ पेड़ ही पेड़ होते हैं। और सुने ना मेरी बात, हमें बताया जाता है पेड़ों के नीचे मत जाया करो, बाल खोल के खुशबू लगाकर जिन चिमड़ जाएंगे। हम तो यहाँ पर तो क्लब क्लब जा रहे होते हैं, स्प्रे करके बाल खूब सेट करा के पेड़ के नीचे ही खड़े होते हैं लाइन लगा के, आग नहीं तो जलाती है जिन आप थोड़ा। पे क्यों आएगा? आप मुसलमान थोड़ी हैं मालिक, जिन आते हैं मुसलमान लड़कियों पे, वो आशिक होते हैं भाई मुल्हिदों नहीं, पे, जिन्नात एक क्यों मखलूक यूनिवर्सल? है भाई। बिल्कुल है मखलूक है। अच्छा हाँ बस ये भी बात सही है, कुरान से साबित है कि जिन फरिश्तों की खबरें सुनने आते हैं तो वो सितारे उनको आग मारे जाता है, ये भी है, बिल्कुल ठीक फरिश्ते है। भी एक मखलूक है, हाँ, फरिश्ते भी एक फरिश्ते मखलूक है, सब मखलूक है भाई, सब फरिश्ते मखलूक है, नूर से, नूर से नूर बने से हुए। पैदा हाँ, हुए, और और जिन्नात शैतान आग आग से से। पैदा हुए, हाँ और हाँ जिन्नात आग से बने। इंसान एलिमेंट्स, एलिमेंट मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स, मिट्टी से पैदा हुआ। अच्छा, चलिए यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आप मानते हो कि आपके नबी जो है वो बैठ के गधे पे मून तक गए, ठीक है, तो फिर आप ये गधा नहीं, वो जुनिमान गधा क्या नहीं, था गधा फिर, नहीं था, क्या बर्राक था? था, गधा नहीं है बर्राक था, वो, बर्क बर्राक था। बर्क हाँ बर्क यानी कि बिजली, इलेक्ट्रिक हॉर्स, यस, इलेक्ट्रिक हॉर्स था। बुराक, हाँ विच ये है रहा चक्कर है एलोन यूनिवर्सल, मस्क। ये जो मुलेदीन है ना, ये लफ्जों को खेलते हैं। मैं आप देखो ना, इन्होंने बोल दिया हालांकि यार वो बुराक बिजली था,
आप फंस रहे हैं तो यार। फिर वो जो हनुमान जी थे, वो भी तो किसी इलेक्ट्रिक चीज पे गए थे, तो उनको आप क्यों नहीं मानते फिर? वहां कहाँ इलेक्ट्रिक लफ्ज ही नहीं है, वहां पे कोई इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है वहां पे, कोई कोई नहीं, तो वो भी तो गए फोटोसिटी ना, नहीं। मगर उड़ के तो वो भी गए ना, तो क्या पता कि वो वहां पे टेक्नोलॉजी वहां पे यूज की एक्चुअली, हुई हो। वहां पे सूर्य बकरा में बिजली बर्क का लफ्ज आया है, इलेक्ट्रिसिटी तो जो ना आज इजाद हुई है। हाँ, और उस वक्त 1400 साल पहले बता दिया था, बिल्कुल सही बात है भाई, बर्क यही तो बर्क बात यानी है। बिजली, हाँ बर्क यानी बिजली। अच्छा मेरा आप एथियस्ट ना, मेरा एक सवाल है, आपके 5 सेंसेस हैं, ओके, आपके 5 सेंसेस हैं, अगर मैं उसमें अदर 45 सेंसेस अगर ऐड कर दूं तो ये आसमान तुमको नीला नजर आएगा, कैसा नजर आएगा? मैंने तो सुना था 6 सेंस होती है हम लोगों के सबके अंदर, वो 6 सेंस हम एक नहीं, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जो कई पांच फोर्टी सेंसेस होती फाइव सेंसेस हैं। अगर मैं बिलफर्ज बोल रहा हूं, बिलफर्ज यानी कि फर्ज करो, 45 सेंसेस आपके 5 सेंसेस में ऐड कर दूं तो क्या ये कायनात यूनिवर्स ऐसे ही नजर आएगी जैसा आप नजर आ रही है? आप बताएं होगा अच्छा हमको, मैंने बता। ये साइंस पे बात करने से पहले मान लीजिए मैं थोड़ी बात कर लूं, जी मैं बोलिए आया था एक बोलिए। बात करने। देखें यूनिवर्सल ब्यूटी जो है ना, उनकी बातें ठीक लग रही है मुझे, और मैं ऐसे कई लोगों को सुन के ना, मुफ्ती तारिक मसूद को सुन के मेरा ईमान अब वापस आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। मैं तो साफ बात, हाँ सिंपल इज दैट, ये इस्लाम को जो मैं बदनाम करता रहा हूँ, मुझे मुझे रोना आता है, मैंने अल्लाह पाक से इतनी नाफरमानी रोते क्यों नहीं करी फिर? आज ही रोते हो, अभी भी रोते हो, लेकिन कभी भी प्यारे जो नाम नबी के है, बारे में जो मैंने मजाक किया है, अल्लाह मुझे नहीं, माफ कभी भी आप कर रोते नहीं है, आप रोते नहीं है फिर, आम औकात में रोते नहीं है आप, दे। मैं तौबा करता हूँ यूनिवर्सल लोगों के ब्यूटी सामने मत के रोइए बारे भाई, में। अच्छा लोगों के सामने मत रोइए, मैं अकेले रोता हूँ, रात अकेले भर मैं रहो, रोया हूँ, मैं रात रात में भर उठ के रोया रोइए हूँ। आप। पहले तो लोग जो वैसे हमारे मेरे दोस्त तो नीचे से भी रोते थे जवानी में, मैं तो चोर चोर कहीं हूँ ना, से मैं भी ऊपर रोइए से आप, रो पानी निकलना चाहिए, कहीं से भी रोइए पानी निकलना चाहिए। रहा हूँ। अच्छा यूनिवर्सल ये ब्यूटी कहाँ लिखा एक, है कुरान में, ये मुझे मैं बताइए कहीं से भी कुरान रोइए ये। आप, पानी निकलना चाहिए। नहीं, कुछ आपकी लोग तो मीनारे पाकिस्तान में कानों से भी उनके निकल रही नजर थी। में एथियस को तो ऐसा नजर आता है, कहीं से भी रो पानी निकलना चाहिए। अच्छा ये हाँ बात ये आपको बात किसने सही है, कहा है वैसे? एथियस तो ऐसी सोचते हैं ना भाई, पानी आपको निकले कैसे तो पता जो ना ये वो सोचते? नहीं नहीं रोने की मिसले रोई है, तो वो नहीं है। नहीं नहीं रोने के रोई नहीं बराबर है, है वो रोने के बराबर है, नहीं पानी आना चाहिए बस। भाई, हम तो रोते ही नहीं ना, अच्छा रोते तो आप हमारी लोग ही अकल है, हमें में रोना धोना तो आप लोग उसमें है, सारे रिलीजन वाले आंखों से वो क्यों आना भाई, आंखों से तो क्यों नहीं आना, रोते। हर जगह से आ सकता है पानी, तो उसको रोना ही आपकी कहते आवाज हैं।